Hey guys, welcome back to my channel. तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे आज के नए ब्लॉग में. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है दिवाली, तो मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं. और मुझे बहुत तेज़ जुकाम हो गया है, मतलब क्या ही बताऊँ. सुबह तक ठीक था, उसके बाद अचानक से हो गया है. तो एकदम सर्वर भारी लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन करना पड़ेगा. अभी फ़िलहाल मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि कल पूजा का सामान और गणेश लक्ष्मी नहीं लेके आई थी मैं, तो उसे लेने जाना है और पूजा का सामान और भी कुछ सामान लेने जाना है. तो चलिए फटाफट चलते हैं और बने रहिएगा ब्लॉग में एंड तक. तो यहाँ पे आ गया सारा सामान जो भी मुझे चाहिए था पूजा करने के लिए. सारा सामान आ चुका है और अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ यहाँ पे लक्ष्मी जी के पैरों की छाप. तो आधा मैंने बना लिया है और अभी थोड़ा सा और बाकी है, तो मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ जिसमें आप देख सकते हैं लक्ष्मी जी के पैरों की छाप भी है और धान का शीश भी है और उल्लू के पैरों की छाप भी, क्योंकि उनके माँ लक्ष्मी के साथ तो उल्लू भी रहता है ना. तो मैं सारा ये तीनों चीज़ें बनाती हूँ इकट्ठा करके.
देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मेरा हाथ भी जल गया दो जगह, तो मैंने दिया रख दिया उस घर पे और बाज़ार में, और इस वाले घर पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने ज़्यादा दिया नहीं रखे हैं क्योंकि यहाँ मैं रहूँगी नहीं, कि मुझे उस घर पे जाना है और पूजा भी उसी घर पे होगी। दिया रखने वाला सारा काम हो चुका है उस पुराने घर पे भी, नए घर पे भी, और मार्केट में जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ पे भी। तो वहाँ पे मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती। वहाँ पे इतना अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे, इतने सारे दिए जलते, इतने लोग आते हैं वहाँ पे, कई लोग मुझे मिले तो वहाँ पे एक दूसरे से लोग मिलते हैं, कुछ भी करते हैं और अपना दिया भी रखते हैं, तो वो सब मैं कर चुकी हूँ। तो उसमें आप अपने आप को संभालोगे, कपड़ा संभालोगे, फ़ोन संभालोगे, इस वजह से मैं वहाँ फ़ोन लेके नहीं गई थी। तो कुल मिला के हो गया है, अब बस खाना बनाना है और फिर पूजा करना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, वहाँ जाऊँ यहाँ आऊँ, मतलब खाना बनाऊँ, मतलब मेरे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मतलब ऐसा लग रहा है कि बस मैं एक जगह चुपचाप बैठ जाऊँ। एक तो मैं अपने नाक से परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो एनीवेज बन चुकी है और मतलब भोग का जो सामान था वो बन चुका है, अभी मैं जा रही हूँ उस घर पे, पूजा करके आऊँगी, उसके बाद मैं बाकी का खाना बनाऊँगी। तो चलते हैं फटाफट वहाँ पे और पूजा की तैयारी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 8:30 हो चुका है। पूजा करने के बाद फिर खाना भी बनाना है, फिर मन करेगा तो थोड़ा सा मैं छुरछुरी जला लूँगी। पूजा मैंने कर लिया है, भोग भी मैंने लगा दिया है और बहुत अच्छे से पूरे विधि विधान से पूजा हो चुकी है। और अब रात के 10 बज चुके हैं, खाना बनाने चलते हैं और बिल्कुल एनर्जी नहीं है। मैंने सोचा था थोड़ा सा छुरछुरी जलाऊंगी, पर कोई बात नहीं, मुझे खाना बनाने जाना है। बस पूजा मेन थी, पूजा हो चुकी है तो फाइनली दिवाली की पूजा हो गई है और अब आगे का काम करते हैं। तो मेरी दिवाली बस इसी तरह मनी, बिना पटाखों वाली और बिना एनर्जेटिक, मतलब कुछ भी। मैंने सोचा रील्स वगैरह बनाऊंगी और अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगी, और इतने अच्छे से हो नहीं पाया क्योंकि भाई अपने में बिज़ी था और मैं अकेले क्या क्या करती। तो बस पूजा हो गया जो कि ज़्यादा ज़रूरी था, और खाना अभी जस्ट हमने खाया और अभी 12 बज रहा है। पूजा करने के बाद फिर मैं यहाँ पे मतलब नए वाले घर पे आके फिर मैंने खाना बनाया और अभी खाते खाते 12 बज गया है, मतलब खा चुके हैं। और भाई गया उस पुराने घर पे और मैं अभी यहीं पे हूँ। तो बस फटाफट मेकअप रिमूव करके सो जाना है, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है, हद से ज़्यादा। तो कुछ इस तरह से थी मेरी दिवाली। उम्मीद है आप सबने अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट किया होगा और इन्जॉय किया होगा। और मेरे यहाँ तो मम्मी पापा थे ही नहीं, बस हम और भाई, तो कुछ ख़ास इन्जॉयमेंट नहीं हुआ। और बस ये कह सकते हैं कि हाँ, मतलब दिवाली मना लिया हमने। तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तो आज मेरी एनर्जी जो है एकदम डाउन हो चुकी है, मतलब एनर्जी है ही नहीं बॉडी में, तो इसलिए अब बस यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और एक बार आप सभी को फिर से अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली।